कांग्रेस के राज में चिट्टे का काम करने वालों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, यही कारण था कि उन पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सोलन अध्यक्ष भर साहनी ने पिछली कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जहां जयराम ठाकुर नशे के कारोबारियों पर नकेल कस रहे हैं, वहीं कांग्रेस के इस पर डूल मूल रवैया रखा। यही कारण है कि भाजपा के थोड़े से कार्यकाल में ही सैकड़ों मामले चिट्टे व अन्य नशीले पदार्थों के दर्ज हुए हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र चंद ही मुकदमे ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज किए जाते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवा अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने आरोप लगाया था कि जयराम सरकार सिर्फ तवादों में लगी हुई है, चिट्टा माफिया सक्रिय है। अब जब सोलन के धर्मपुर में युवा कांग्रेस के सुनील कुमार को 17 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है, अब उनका क्या कहना है। साहनी ने कहा कि कांग्रेस बताए उनके 5 साल के कार्यकाल में ऐसे लोगों के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कितनों को गिरफ्तार किया गया है। साहनी ने कहा कि भाजपा उमंग फाउंडेशन के साथ मिलकर सभी स्कूलों व कॉलेजों में नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सभी को जागरूक करेंगे। यूथ कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पे आज प्रदर्शन किया है और सबसे हंसी वाला पात्र बन के रह गए हैं कि कल ही यूथ कांग्रेस के एक प्रदेश के सचिव को धर्मपुर के पास चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है, और जिस तरह से कुछ दिनों पूर्व यूका अध्यक्ष यहां पर आरोप लगा रहे थे हमारी सरकार के ऊपर कि ट्रांसफरों में मस्त हैं सरकार भाजपा की और चिट्टे का कोई पकड़ धर नहीं हो रही, तो जैसे ही आज ये पकड़ वगैरह शुरू हुई चिट्टी को लेकर के सामने सारी कलाइयां कांग्रेस के नेताओं की खुलकर के सामने आ गई है, जो कि 17 ग्राम चिट्टे के साथ यूथ कांग्रेस का लीडर कल पकड़ा जाता है और आज आप यहां पर सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करते हैं। क्या ये प्रदर्शन आप अपने यूका के सचिव जो पकड़े गए हैं उसके जश्न में मना रहे हैं? आप जयराम सरकार जी की योजना देखिए, पिछले 6 महीने के अंदर जितनी कामयाबी इस पुलिस डिपार्टमेंट को फ्रीडम देकर के चिट्टे के केसेस पकड़े गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्व सरकार के अंदर इतने केसेस क्यों नहीं पकड़े गए?